हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाकर दिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और लाजवाब होता है और इसे सभी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए, कैसे बनाया जाता है हम इसको दिखाते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखिए। तो इसके लिए हम यहाँ 4 पीस बैंगन ले लिए हैं। इसको हम पहले ये वाला भाग इसका हम साफ कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बैंगन के बारे में जानकारी दी है, तो उसमें हमने बताया है कि बैंगन को डंठल काट कर नहीं फेंकना है, ज़्यादा बड़ा लगे तो इसे काट देंगे। इसी तरह हम सारे बैंगन को साफ करके, यहाँ से ये वाला भाग साफ करके, क्योंकि इसमें कीड़े भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाला भाग कर साफ करके और यहाँ से डंठल को काट देंगे। देखिए, हम सारे बैंगन का डंठल काट कर और यहाँ से साफ कर दिए हैं। अब ये बैंगन में यहाँ से बीचों बीच एक चीरा लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमें एक चीरा लगा देना है ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। देखिए, सब बैंगन को इसी तरह हम बीचों बीच चारों बैंगन में चीरा लगा देंगे। देखिए, चारों बैंगन में इसी तरह हम चीरा लगा दिए हैं। अब इसको हम पानी में डाल देंगे ताकि इसका ख़राब रस जो हो वो निकल जाए। 10 मिनट पानी में डालकर हम बैंगन को 10 मिनट के लिए पानी में डुबो कर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम पानी से निकालेंगे। हम यहाँ लहसुन का और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिए हैं। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम एक गैस पे फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं और उसमें तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक कटे हुए बारीक प्याज को हम डालकर प्याज का कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे। ये प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम मिक्स किए हुए मसाले को डाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इन मसालों को अब अच्छी तरह से हम चलाते हुए धीमी आंच से फ्राई करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद हम पानी से बैंगन को निकाल लिए हैं और हमारा फ्राई किया हुआ मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम एक एक बैंगन को लेकर और इसमें ऐसे इसको थोड़ा सा फाँका करते हुए इसमें मसाला को अंदर डालना है। चम्मच की सहायता से हम मसाला को पूरे अच्छे तरह से हम इसको भर लेंगे। देखिए, इसी तरह हम सभी बैंगन को एक एक करके सभी बैंगन के अंदर हम मसाले को डाल डाल कर और अच्छे से भर लेंगे। देखिए, हम सभी बैंगन में मसाले को अच्छी तरह से भर लिए हैं। अब एक फ्राई पैन गैस पर चढ़ा दिए हैं और उसमें 2 चम्मच के करीब हमें सरसों तेल डालना है। ज़्यादा नहीं डालना है तेल, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इसमें बैंगन डालने पर मसाला बाहर आने लगेंगे। तेल कम ही रखना है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके बैंगन को इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसको मीडियम आँच पर उलटते पलटते हुए इसको हम
फ्राई करेंगे। इसको हम चाहे तो कलछी से भी पलट सकते हैं, और अगर कलछी से पलटने में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इसके डंठल को पकड़ कर भी हाथ से भी पलट सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। इसी तरह मीडियम आंच पे हमें इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए बैगन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और उसी फ्राई पैन में हम थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग तेल डालेंगे, और उसमें एक चाय चम्मच के बराबर जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा चटकने लगे तो हम यहाँ पे एक प्याज को पीस कर मिक्सर में रखे हैं, उस प्याज को डालेंगे। और इसके बाद एक टमाटर को हम पीस कर रखे हैं उसको डालेंगे, और दोनों को डालकर अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमें नमक कम ही डालना है क्योंकि पहले से हम बैंगन में के मसाला में नमक डाले हुए हैं। बैंगन के अंदर जो मसाला हम भरे थे उसमें से हम थोड़ा सा मसाला बचा कर रखे हैं, इस मसाले को भी इसी में ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे इसी में मिलाकर। इसमें हम अब आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे भरता का कलर बहुत अच्छे से आएगा। आधे एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें चार छोटे चम्मच के लगभग हम दही रखे हैं, दही को हम डाल देंगे। दही से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। आप दही अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। देखिए दही को डालकर भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब हमारा मसाला का पेस्ट एकदम सही से फ्राई हो चुका है और तैयार हो गया है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बैंगन को एक एक करके इसमें डाल देंगे। और इसको उलट पलट कर इसमें चला देंगे। देखिए हम इसे चला दिए हैं। अब इसे हम धीमी आंच पे 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। देखिए हमारा बैंगन भरता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह नए नए रेसिपी देखने के लिए। धन्यवाद।